अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी उज़्मा ताहिर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम सो सॉरी, सियालकोट में आई हूँ, जिसे सबको पता है क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन मैं कोई सियालकोट पे होटल की वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और याद भी नहीं रहा। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं वो रूम दिखा दूँ जो हम लोगों ने स्टे किया है। बहुत मैसी हो गया क्योंकि जब आई थी तो साफ सुथरा था, लेकिन इस वक्त हर जगह कपड़े चीज़ें सब है तो बहला हुआ है। तो मैंने कहा था आपको विजिट कराती हूँ। मैं और मेरी मम्मा ने स्टे यहाँ किया है क्योंकि सुमान भाई की फैमिली माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत हर जगह से आए, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो पिंडी से, इस्लामाबाद से हैं या कराची से हैं, उन्होंने इस होटल में अरूज आई थिंक होटल है, मेन रोड कौन सी ये मैं भूल गई हूँ, वहाँ स्टे किया है। तो मैंने कहा था साथ साथ आपको दिखाती हूँ व्यू। कमरा बड़ा मैसी हुआ है। मेरी मम्मा ये रुके 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 मम्मा कहा मम्मा ये नहीं, मम्मा लेटी हुई है ज़रा, और मम्मा ने ना अपना लगाया हुआ है म्यूज़िक, गाना शाना लगा के बैठी हुई है, दवाइयाँ भी खा रही है। तो दवाइयाँ भी आपको दिखा देती हूँ, सारी इनकी दवाइयाँ जो उन्होंने सुबह उठते ही खानी होती हैं। हाँ, और मम्मा नाश्ता सुबह जल्दी जल्दी करके आ गई 9 बजे, मुझे कहती हूँ उठो उठो। हालांकि मैं उठ गई थी, पर मैंने कहा मम्मी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, हमें 12 बजे तक का है कि हमें 12 बजे तक नाश्ता कर सकते हैं, वरना 10 बजे तक होता है। और मम्मा कैसी रही मेहंदी आपकी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शानदार है, मजा आया बहुत अच्छी, जिंदगी में पहली इतनी अच्छी मेहंदी है ना, मज़ा आ गया। मतलब सियालकोट में आने के बाद माशाल्लाह इतना 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 बड़ा इवेंट था, इतना लाइफ में इतना बड़ा इवेंट कभी भी नहीं देखा। मतलब अल्लाह सारे सब पाक नसीब से बचाया, आमीन आमीन। और अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब ऐसे खोले और लड़कों के भी ऐसे खोले माशाल्लाह, क्योंकि लड़कों के लिए भी स्पेशली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो लड़का माशाल्लाह लकी कहूँगी क्योंकि उस्मान भाई की फैमिली में आया, जो फैमिली बे इंतहा प्यार करने वाली और सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि मेरी बहन उस फैमिली में है तो मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि वो लोग कैसे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपनी बेटी को जितना दिया है, अभी खैर आज है बारात, सब लोग निकल चुके होंगे लाहौर के लिए, वो लोग सब लाहौर से तैयार हो रहे हैं और सलोन्स बता रहे थे यहाँ से हो रहे हैं वहाँ से हो रहे हैं, इतने महंगे महंगे, तो मैं यूँ थी। और वो लाहौर जाके ये लोग सब ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, सेट आज भी इंशाल्लाह उम्मीद है उससे भी बेहतर होगा क्योंकि आज है बारात। और ये सारे जो सेट लगे हैं वो उस्मान भाई की फैक्ट्री में लगे हुए, मतलब तीनों फंक्शन जो थे, मैं मायों में नहीं आई थी लेकिन अम्मी थी तो वहाँ थे। मम्मा खैर भी इस वक्त मेरी दवाइयाँ खा रही, रूम दिखाती हूँ, बड़ा मैसी सा हुआ हुआ है ये, हम आज भी चादर वादे चेंज कराएंगे क्योंकि कल आने के बाद टाइम नहीं मिला। मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, रुको यहाँ से बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, थोड़ा मैं आपको साथ के साथ यहाँ का दिखाती हूँ। रूम काफ़ी बड़ा है, लो मम्मा फिर ढेर हो गई है। मम्मा मेरे साथ नाश्ता करने जाएंगी अभी? मम्मा को नहीं नहीं नाश्ता करने चल रहे हैं बस। अच्छा, ये एक पोर्शन है, ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ, पुराना कंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत बड़ी जगह है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। मतलब यहाँ पे 2 कप चाय अगर हमने मंगाए थे तो 450 और पानी भी तो 250 इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके देखा जाए तो मैंने लगाया कि इसके बिल ज़्यादा है, लेकिन इतना प्रॉपरली बहुत स्टेप वो वाला नहीं है, लेकिन पुराना फर्नीचर को उन्होंने यूज़ किया है। तो मैं ज़रा आपको फिर साथ साथ दिखाती हूँ। ये एक सिटिंग एरिया इनका अलग से है जहाँ मम्मी के कपड़े, अम्मी को कल हम जब गए थे वहाँ पे भाभी क्या रुआ भाभी क्या, तो वहाँ पे उन्होंने कपड़े पहनने थे, चेंज करने थे पर नहीं किए तो यही पड़े हुए हैं। अच्छा, गद्दा हमने इसलिए रखा था कि यहाँ कपड़े करेंगे इस्त्री, अभी शादी पे आए के जो कपड़े हैं वो अलमारी में। अच्छा, आज भी मैं और अम्मी बड़ा प्यारा था नया सूट बनाया था पहन रहे हैं, और स्पेशल शादी है तो नए कपड़े बने थे इसके लिए, अदरवाइज हम पुराने ही चला लेते, लेकिन इस शादी के लिए स्पेशल नए कपड़े बनाए गए हैं जो आज मैं भी अम्मी भी नया पहनेंगे। अम्मी तो जिस दिन से आए नए कपड़े पहन रही है सारे, मैंने कल वाला जो जोड़ा था मेहंदी वाला वो मैं एक दफ़ा पहले पहन चुकी हूँ, तो वो मेरा सेकंड जोड़ा था। अच्छा, बैग वैग ये सब पड़े हुए अम्मी के मेरे, और ये देखेंगे पूरा इन्होंने लकड़ी लगा के, क्योंकि ये पूरा शीशा था पीछे, लकड़ी लगा के इसको कवर किया हुआ है ताकि बाहर से सूरज ना आए, लेकिन इतना तेज़ सूरज है, इतना तेज़ सूरज है जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। बाथरूम भी बहुत बड़े, मतलब बड़े हैं, मतलब बहुत वो नहीं है लेकिन बड़े बड़े बाथरूम है, बड़े। लाइट जलाओ लाइट, ये देखें बाथरूम में काफ़ी बड़े बड़े बाथरूम है, छोटे नहीं है, अच्छे खासे बड़े बाथरूम है, जगह बहुत है। स्वीट दार सी बात है, स्वीटें तो जगह बहुत ज़्यादा होगी, जगह बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। और मैं कहाँ इस सब गंदी मंदी, ये जूते शूते सब पड़े हुए अम्मी के मेरे, और ये रही मैं बताया ना मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा नहीं यहाँ की भी वीडियो बनानी चाहिए कि हम लोग किस वक्त कहाँ स्टे कर रहे हैं और क्या यहाँ का माहौल है, तो वो माहौल मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये सारा एक
मनाली वीडियो, ताकि आप हम आइडिया और याद के तौर पे हो कि जी हम जब आए थे हमने यहाँ स्टे किया था, तो हम इस होटल में रुके थे और यहाँ हम लोगों ने फिर खरी सारी ज्वेलरी शुलरी सब फैली हुई है, क्योंकि थोड़ी देर तक भी हम लोगों ने भी तैयार होना है, पार्लर जाना है। खैर मैं तो मेकअप खुद करूँगी लेकिन बाल आज बनवाऊँगी, आज सोच रही हूँ थोड़ा सा बाल थोड़े से बनवा लूँ, वरना ज़्यादातर सीधे ही बाल होते हैं। तो बहुत मज़ा आया, सर्दी बहुत मज़े की, रात को बहुत मज़े का फोकी फोकी सा हो जाता है, रात को वहाँ अंगीठियाँ लगी हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह पूरा बड़ा ख़ानदान है इनका, बहुत बड़ा ख़ानदान है, तो पूरा सब जगहों से जो भी इनकी चचियाँ हैं, फुपियाँ हैं, खालाएँ हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबसे मुलाकात प्रॉपरली फर्स्ट टाइम हुई बहुत अच्छे वे में, वरना ये होता था कि आते थे तो सिर्फ फैमिली के हद तक ही होते थे, ज़्यादा नहीं। और ये देखें हर जगह मम्मा फिर सो गई हैं, मैं बराबर में लेटी हूँ। और अम्मी आपका मोबाइल बंद करें क्या, पीछे ऑन है, स्क्रीन ऑन है। अम्मी का मोबाइल ज़्यादातर टिकटॉक चल रहा होता है और मम्मा उसमें सारे टोट के सारी चीज़ें, हर चीज़ मेरी मम्मा उसमें ही देख लेती हैं। मम्मा की मेहंदी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है हाथों में, मेरी मम्मा के ना हाथ वैसे ही बहुत खूबसूरत है, हाथ पैर कहेंगे अब कहाँ, आप तो बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी बहुत अच्छे हैं। बूढ़े तो खैर नहीं हुए क्योंकि ये मेरा कचरा है, मुझे जहाँ भी जाती हूँ एक ज़्यादा बोर्ड चाहिए होता है जिससे मुझे अपने सारे मोबाइल्स लगाने होते हैं, तो ये सारा कचरा जो है ये मेरा फैलाया हुआ है, ये रायता मेरा है। यहाँ से बाहर से वो रोड आ जाती है, आई थिंक कौन सी रोड है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेन रोड है, कश्मीर रोड है या लारेडा रोड है या कोई ऐसी रोड है, क्योंकि इस जगह का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो खैर ये इसकी बिल्डिंग्स हैं, साथ में कोई गाड़ियों का शोरूम है, और इसी तरह ये ऊपर तक जाके पूरा बना हुआ है, फ्लोर इनका इसी तरह है। नीचे का खैर अभी तो मैं नीचे नहीं जा रही, सिर्फ खाना खाने नाश्ते करने जाऊंगी तो ऐड कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं अभी फ़िलहाल यही हूँ। और ज़िंदगानी शुरू हो चुकी है, मेन रोड पे ये होटल मौजूद है जहाँ हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। और ये मेरे हाथ, ओह आज भी यही कलर चलेगा क्योंकि आज मेरा जो सूट है उसमें ये पिंक कलर है, आज भी पिंक कलर उसमें ऐड है, पिंक या रेड कह लें उसमें ऐड है, तो मैंने फिर चेंज नहीं करना, इसका मतलब है नील कलर मेरा यही चलेगा। वैसे भी मैं बहुत सुस्त हूँ, कपड़े चेंज करने में, तैयार होने में मैं बहुत सुस्त, इतने मज़े की आ रही, इतने मज़े की आ रही है, मैं पर्दों के बीच में छुप रही हूँ जी, और इस वक्त मैं विदाउट मेकअप हूँ बिल्कुल, नो मेकअप, ये देखें। तो लोग अक्सर नहीं आते, लोगों को टेंशन होती है वो शक्ल ना दिखाओ, लेकिन आ जाना चाहिए यार, जैसा भी है ठीक है, जिसने कबूल करना होगा ऐसे भी करेगा, नहीं करना होगा वैसे भी नहीं करेगा। और वैसे भी आपकी खूबसूरती आपके कहते हैं ना आपके अखलाक आपके किरदार में होती है, तो बाकी चीज़ें बेकार हैं, आप इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे होते हैं लेकिन आपको उनसे नफरत हो जाती है क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं होते। खैर चलो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं क्योंकि पर्दे को हटा के मैंने कहा आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ, सो मैंने दिखा ली। अब यहाँ से ज़रा नीचे जाएंगे, अब मैं यहाँ से स्टॉप करके नीचे जब जाऊँगी तो वहाँ नाश्ते की वीडियो वैसे ही लगा दूँगी, इतना बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि लोग होंगे। वैसे ही मुझे पता नहीं क्यों हम टीवी पे जब काम करते हैं ना वो फिर वो वीलॉग बनाते हुए थोड़ा सा अजीब उनको लगता है कि यार यहाँ बोलो यहाँ बोलो वहाँ बोलो, क्योंकि हमारा थोड़ा सा होता है कि यार हम टीवी पे आ रहे होते हैं तो लोग कहेंगे यार ये लोग इधर भी पास नहीं आते, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ की चीज़ें दिखाती रहूँ। और इस वक्त देखिए अम्मी का फिर बाजा शुरू हो गया, अम्मी का वो लगा हुआ, अम्मी शुरू हो गई है अपना टिकटॉक, अम्मी सोते हुए भी ना अम्मी टिकटॉक चल रहा होता है और अम्मी सो रही होती है और अम्मी के कानों पे खाने पकाने आते सब चीज़ें चल रही होती है। अम्मी को बहुत शौक है, मम्मा मतलब इतनी न्यूज़ नहीं देखती, इतना टीवी कभी मेरी अम्मी ने कभी ज़िंदगी में टीवी नहीं देखा, लेकिन अम्मी ने ज़िंदगी में जो काम कभी नहीं किया वो उनके मोबाइल ने टिकटॉक ने सारे रेमेडी सारे फार्मूले सारी दवाइयाँ सारे खबरें वो अम्मी को टिकटॉक देता है। तो अम्मी का जो 24 आवर का जो चैनल है ना वो टिकटॉक है, जिसकी वजह से अम्मी बस समझे हर वक्त एक्टिव रहती है, सोती हूँ जागती हूँ सोती हूँ जागती हूँ, और मैं सोते हुए मैं ना जब सो जाती हूँ तो उंगली मार मार के ना बंद करती हूँ क्योंकि अम्मी सो रही होती है, अम्मी के खराटे भी ऑन हो जाते हैं पर अम्मी सो रही होती है और अम्मी का मोबाइल चल रहा होता है। खैर चले यहाँ से अंदर आ गए और इसको ज़रा फिलहाल अम्मी को उठाते और चलते नीचे नाश्ता करने के लिए। ये था मेरा रूम जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, और ये देखें ये रहा। टीवी देखने का तरीका, अम्मी सो रही है मोबाइल चल रहा है और अम्मी के खराटों की आवाज़ शुरू। अरे जी मम्मा ने तो कर दिया मना, मम्मा का मूड नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं और मैं जाके करूं, और हम अब यहां से जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ ताकि नीचे जाके हम अपना नाश्ता कर सकें।
और यहाँ से होते हुए मैं ज़रा नीचे की तरफ जा रही हूँ। और ये है हमारा होटल, होटल लिफ्ट, लिफ्ट आ जाएगी भी थोड़ी देर में, बल्कि आ गई है। तो चले नीचे चलते हैं और नीचे जा के नाश्ता करते हैं। ये रहा सारे का सारा सारे। अरे ऊपर क्यों जा रहे हैं, हमें तो नीचे जाना है, हमें तो नीचे जाना है। अच्छा हम ऊपर आ गए ठीक है, हमें नीचे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वही मैं ऊपर बिस्मिल्लाह। ये भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भी सुन रहे फैमिली से ही है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यस यस आ गए हम लोग 102। हमें भी मुझे मिक्स चाहिए। मैं पहले मेन्यू देख लूँ उसमें है क्या क्या ताकि पता चले। परोठा, चना, इस वक्त ये क्या है, आई थिंक कोई दाल वाल है, आमलेट, मीठे टोस्ट, देन एग। चले जी ये आ गया हमारा नाश्ता, यहाँ से हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये आ गया और हाय अस्सलाम वालेकुम। आप तो दहाकर भी आ गए हो, वाओ। चले जी ये आ गया हमारा नाश्ता नाश्ता और ये फैमिली के लोग। तो हम करें यहाँ से करते हैं इस वीडियो को एंड, ठीक है। चले ये था हमारा होटल जो मैंने आपको दिखाया और बाकी की बातें फिर ज़्यादा नहीं बोल सकती जो लोग बैठे हैं और फैमिली के मान भाई की फैमिली के समझ दो गए होंगे, खानदान है भाई, लिहाज करना पड़ता है, करना भी चाहिए। टाइम मैं करती हूँ नाश्ता और फिर इंशाल्लाह जब रात को फंक्शन होगा तो फिर वहाँ के वीडियो बना के अपलोड कर। चलो नहीं 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 चलो जी टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।